है और एक छोटा बच्चा है, कमाने वाला कोई नहीं है। ये बिल्कुल बेसहारा और बेवा औरत है। बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास, आपके गांव में, आपके दयाल और आपके मोहल्ले में आई है। आप हजरात से गुजारिश है कि आपकी जान माल का सदका, खैरात, कपड़ा वगैरह या गल्ला वगैरह से जिससे जो हो सके हसब औकात 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया या 500 रुपया जिससे जो बन पड़े, ऐसे बेबस, बेसहारा, मजबूर और लाचार औरत की मदद करे। अल्लाह ताला इसका अज्र आपको बाद मरने के कब्र में, हश्र में और जन्नत में अता फरमाएगा। ऐसे गरीब लाचार बेबस औरत की मदद करना बड़े सवाब का काम है। लिहाजा जिससे जो बन पड़े 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया या 500 रुपया या गल्ला और कपड़ा वगैरह से ज्यादा मदद करें। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बदला कब्र में, हश्र में और जन्नत में अदा फरमाएगा। जो जीते हो इस दुनिया में कुछ अच्छे काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इंसान कर जाओ। हजरात कहना ये है कि आपके जनवाल का सदका, खैरात और मदद के असली हकदार यही बेबस और बेवा औरत है, जिसका इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं है सिवाय अल्लाह के। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा मदद करें। अल्लाह ताला इसका बेहतरीन बदला कब्र में, हश्र में और जन्नत में अदा फरमाएगा। अल्लाह ताला आप लोगों की दुकान और मकान में खैर बरकत अदा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और सुबह सुबह आप आवाज़ सुन रहे होंगे और तकरीबन 8 बज चुके हैं और अभी भी आवाज़ आ रही है। बताइए, भीख मांगने का जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल ही अब जो है चेंज हो चुका है। अब एक लोग बुला के दे रहे हैं सामने, वहाँ पर सामने वो देखिए। और इस तरह से वो जो रिक्शे वाला है वो उसका शौहर है। और क्या वो मेहनत नहीं कर सकता है? कर सकता है। और जब सुबह सुबह के उठते हैं ना तो मेरी आवाज़ जो है थोड़ी सी जो है डिफरेंट रहती है, तो आप सब जो है मैनेज करिएगा, क्योंकि साइलेंस है ना, तो जिसकी वजह से गला जो है बिल्कुल बैठा रहता है। और चाय बन रही है किचन में, एक मिनट, खोलने लगी है चाय। ये देखिए चाय खोल रही है मेरी। और सुबह ही सुबह उठ करके जैसे कि आप आवाज़ सुन रहे होंगे, और लोग तो आजकल के ज़माने में जो है मेहनत करना ही भूल गए हैं, तो बहुत अच्छा जो है क्या कहते हैं मौसम हो रहा है। इतनी ठंडक हो रही है कि बर्दाश्त किया जा सकता है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। आज मेरा दिल किया कि हम आपको लेकर के ऊपर आएं, ऊपर आएं। ऊपर बहुत ज़्यादा बिखराव हो रखा है, बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो जब तक चाय बनती है तब तक आपको जो है अपना मोहल्ला दिखाते हैं सुबह सुबह। सूरज कैप्चर नहीं हो पा रहा हमसे। अभी भी आवाज आ रही है। अरे ढेर सारे कौवे जा रहे हैं। मदीने से आई हवा खूबसूरत, नाज शरीफ तो बहुत अच्छी लगाई है। अगर मौत आ जाए दायरे नबी में,
अगर मौत आ जाए दरे नबी पे। जब मौसम अच्छा होता है तो अच्छा लगता है। तो हो जाए सदा खूबसूरत। तो चलिए, चाय पक चुकी होगी, बहुत मस्ती हो गई ऊपर आज। अब दिखा है, है ना। तो बस बंदर कभी भी आ सकते हैं। और सारे पौधे जो हैं वो जल चुके हैं, सारे पौधे जल चुके हैं हमारे, कोहरे की वजह से, ठंडक की वजह से। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो ठंड की वजह से जो है बहुत बेसहारा औरत हैं। आपके गांव में और आपके शहर में आई हैं, 10 रुपए 50 रुपए, ₹500 की बात नहीं है कहीं भी। आज खाली लगता है मेरा पूरा ब्लॉग इसी में चला जाएगा। सुनिए, चलिए, इनका तो रुकेगा नहीं। और उस रिक्शे के ऊपर इतना सारा सामान लोड है, बहुत ज्यादा सामान है उसके ऊपर। उस पर खाने पीने का सामान लोगों ने दिया होगा। तो ये रिक्शा किराए पे है, कैसे है आई डोंट नो। रिक्शा खड़ा सामने, तो दूध निकाल लें। पतीली बहुत ठंडी है, दूध की निकाली नहीं जा रही है। और क्या बताया जाए, चाय निकाल लेते हैं। और चाय पी करके आज नाश्ते में सोच रहे हैं क्या बनाया जाए, आलू का पराठा क्या बनाए। ये वाली नात मुझे बहुत पसंद है, चलिए आपको भी सुनाते हैं। नाच सुनना बहुत पसंद है। और रात में बर्तन नहीं धुले, तबीयत फिर से बहुत खराब थी। तो आज जो मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को जरूर टनटना देंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। और ब्लॉग अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। यार आदत ही नहीं हो रही इधर देखने की, कैमरे में इधर की आदत, इधर देखना चाहिए कभी। चाय देखिए मेरी खोलने वाली है, और कप निकालिए, मेरा फेवरेट कप है, खोल गई चाय। तो चाय जो है बन गई है। और जिया रात में अंडे और ब्रेड बना के उन्होंने खाए, देखना पड़ेगा ब्रेड वगैरह फ्रिज में है कि नहीं है, वरना तो फिर मेरा क्या होगा। चलिए फिर चाय छान लेते हैं जल्दी से, बहुत दिनों के बाद आपसे मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रहे हैं। बहुत ठंडा है,
गंदा पड़ा हुआ था ना, गरम गरम चाय, दिल सुबह सुबह इसी को बुलाए, ओ चाय मेरे मुंह में तू फौरन गरम गरम आ जाए। ठंडा हो रहा है बहुत। जिसका डर था वही हुआ। आज चाय से खाने के लिए कुछ नहीं है, जिया ने सब साफ कर दिया, मुझे खाली चाय से काम चलाना पड़ेगा। मुझसे खाली चाय नहीं पी जाती है। अभी मैं जो है एक पराठा बनाऊंगा फिर चाय से खाऊंगा। चलो मैं पराठा बना लूँ, खाली चाय देख देख के गुस्सा आ रही है। पराठा बना लें, चाय पी लें, फिर उसके बाद नाश्ते में क्या बनेगा वो हम आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करेंगे। तो मैं पराठा नहीं खाऊंगा, मेरा अचानक से प्रोग्राम चेंज हो गया है क्योंकि पेट में दर्द थी रात में। ये देखिए मैं जा रही हूँ, हम जा रहे हैं दुकान टोस्ट लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। और ठीक हैं? अब ठंडी गई, इतनी ठंडक तो इंसान बर्दाश्त कर सकता है। आपको ज्यादा लग रही क्या? बहुत ठंडक लगती है। अच्छा तो आप कश्मीरियों की तरह कांगड़ी ले लीजिए ना। तोबा की क्या बात है, मेरी एक अप्पी है मिल गई है, उनको ठंडक बहुत लगती है। घर के काम में जरूरत नहीं पड़ती है। तो दुकान आ चुकी है, चलिए टोस्ट ले लेते हैं। तो टोस्ट ले लिया है, घर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए तो बस यहीं करीब में ही दुकान है, तो सामान जो है मिल जाता है। चलिए कि घर चल करके पहुंच करके आपसे बातें होती हैं। तो घर में एंट्री हो चुकी है और उस बेचारे पापे को ले जाने के लिए ठंडक लग गई। अब ठंडक का एहसास हुआ है जाकर। तब किचन में थे, काम कर रहे थे, जब आप काम करते रहो तो हाइपोथर्मिया फील नहीं होता। और जब आप कोई काम ना करो तब ऐसा लगता है कि बहुत ठंडक हो रही है। बस इतनी ठंडक और ये ब्लैंकेट और मुंह में पापा और चाय, कट कट कट। तो चाय शाय हो चुकी है और उसके बाद फिर किचन में आ गए और नाश्ते की प्रिपरेशन की है। तो थोड़े से आलू उबाल लिए थे और ज़िया यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। और ये जो ब्लॉग आप देख रहे हो ये 4 दिन पहले का है और 2 दिन से हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो सोचा कि चलो आपको ब्लॉग दे दिया जाए क्योंकि गला मेरा बहुत ख़राब था। तो ये बार बार आलू गिरा रहे थे और तो इसीलिए हमने जो है कि इनके गाल के ऊपर एक चिटकी ली। तो हमने कहा जाप आलू के पराठे का जो सारा मतलब इंग्रेडिएंट है आप जो है काटो बनाओ, कुछ हेल्प किया करो, लड़कों को भी खाना बनाने आना चाहिए क्योंकि जिनकी बहनें नहीं होती हैं तो वो लड़के अपनी माँ की हेल्प ज़रूर करते हैं और किचन में 2-4 रेसिपी सीख लेते हैं ताकि कोई इमरजेंसी पड़े तो उन्हें भी जो है खाना बनाना आना चाहिए। तो कभी भी लड़कों में एहसास ना कराएं कि आप लड़के हो तो आप ये किचन में खड़े होके ये काम नहीं कर सकते हो। तो खैर हम जब बीमार होते थे तो हमारे बच्चे थोड़ी बहुत कुकिंग शुकिंग कर लिया करते थे। तो यहाँ पर हरी धनिया और हरी मिर्च और जीरा और धनिया कुटा हुआ दरदरा डाल दिया है, नमक डाल दिया है। तो धनिया जो है अब आई है तो बस फटाफट से जो है सारी चीज़ें डाल देंगे। यहाँ देखिए चम्मच ज़िया ने टेढ़ा कर दिया। तो हमने कहा आपका कोई काम जो है सलीके से नहीं होता है और इन्होंने 2 चम्मच टेढ़े किए इस दौरान आलू फोड़ने के चक्कर में।
बस इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। और रेसिपी आपको समझ में आ ही गई होगी, इसमें हरा धनिया तकरीबन ये आधा किलो आलू हैं और इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, ज़ीरा धनिया जो सूखा होता है भून कर दरदरा कूट के पड़ा हुआ है और नमक पड़ा हुआ है और इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा और आटे में पहले ही से ही नमक डालकर गूंथ के रख दिया गया था। तो बस छोटा सा मेरा ये ब्लॉग था, आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा, तो पसंद ही आया होगा यार, तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, आपके कमेंट से हमारी हौसला अफज़ाई होती है। तो फटाफट से गरम गरम पराठे बनते जा रहे हैं और आप सब भी मेरे साथ जो है आलू के पराठे इंजॉय करिए। तो ये काफ़ी मोटे पराठे हैं और आटा जो है आपकी गेहूँ गीला था उसका पिस गया, जिसकी वजह से जो है आपकी रोटियां और पराठे वगैरह ऐसे ही बन रहे हैं। तो अभी ये आटा ख़त्म नहीं हुआ है, तो जब ख़त्म होगा तब नया आटा आएगा, तब रोटी वगैरह अच्छी बनेगी। तो चलिए बस यहीं पर हम इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।